20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की ओर से दायर ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के नेता न कभी मणिपुर की जिम्मेदारी लेते हैं और न कश्मीर की, उन्हें कभी तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में सुरक्षा अधिकारी उस स्थान पर जांच कर रहे हैं जहां कल रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर विस्फोट हुआ था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। झारखंड के रिम्स परिसर में एक जूनियर डॉक्टर की अपनी महिला मित्र के साथ हॉस्टल नंबर 4 की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर के अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की बार बार कोशिश होती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि हम जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिन हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने गगननेर, सोनमर्ग, गांदरबल इलाके की घेराबंदी कर ली है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले पर भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में विभिन्न समूहों के लोग सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर डिविजनल कमिश्नर और जम्मू कश्मीर डिप्टी कमिश्नर उस अस्पताल पहुंचे जहां गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों की ओर से इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक में दोनों राज्यों के नेता भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। जब ये 1975 में पाकिस्तान नहीं बना तो आज कैसे बनेगा। CGI DY चंद्रचूड़ रविवार को महाराष्ट्र में कनेसर गांव पहुंचे थे जहां उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के फैसले तक पहुंचने के एक अहम किस्से के बारे में बताया। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत चली है, आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। मनोज जरांगी ने कहा कि उन सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां समुदाय की जीत की संभावना है, वहीं अन्य सीटों पर आरक्षण की मांग को समर्थन करने वालों को सपोर्ट करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने 99 प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां चुनाव 20 नवंबर को कराए जाएंगे तो अब इन प्रत्याशियों के पास प्रचार के लिए लगभग 1 महीने का वक्त है। बीजेपी ने 5 ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां से शिवसेना सालों से लड़ती आ रही है। इस बार शिंदे गुट ने बीजेपी के लिए ये सीटें छोड़ दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विदर्भ की 12 सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में सीटों के बंटवारे पर विवाद चल रहा है। उद्धव गुट ने 12 सीटों पर दावा किया है। भारतीय शेयर बाजार में इस समय गिरावट का लाल निशान देखा जा रहा है, लेकिन सुबह की तस्वीर कुछ और थी। बाजार खुलने के आधे घंटे के भीतर सेंसेक्स 81,000 के नीचे फिसल चुका है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।